Hello students, subscribe for my channel, press the bell icon and never miss an update. Hello students, welcome to my YouTube channel Classic Tutorial. आज के लेक्चर में हम क्लास 10th हिस्ट्री महाराष्ट्र बोर्ड चैप्टर नंबर 4 हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स के क्वेश्चन आंसर की मार्किंग करेंगे. काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये, तो इसमें कुछ डिटेल आंसर्स भी हैं जो बोर्ड में आने के चांसेस होते हैं, तो वो मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ. सबसे पहले एक्सरसाइज में है फिल इन द ब्लैंक. द आर्ट्स ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पटिंग आर डैश पेंटिंग और स्कल्पटिंग, यानी पेंटिंग करना और मूर्ति बनाना ये किस तरह का आर्ट है, तो ये ऑप्शन ए इसका आंसर है, विजुअल आर्ट्स. सेकेंड क्वेश्चन है द डैश सॉ द राइज ऑफ मथुरा स्कूल. मथुरा स्कूल का राइज कहाँ, किस कौन से ज़माने में था, तो उसका जवाब है कुशाना पीरियड. नाउ बी है आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर इन द फॉलोइंग, करेक्ट इट एंड री राइट. तो रॉन्ग पेयर इसके अंदर है छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे टर्मिनस, जो कि दिल्ली लिखा हुआ है जबकि उसका एक्चुअल जवाब मुंबई है. आपको सिर्फ बोर्ड में आइडेंटिफाई करना होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट. तो आर्ट सबसे पहले पूछा है, पेज नंबर 22 पर है, तो आइए पेज नंबर 22 पे चलते हैं. मैं आपको एक बात और बता दूं यहाँ पर, साथ ही साथ आप मार्किंग भी करते चलें ताकि आप टेक्स्ट बुक से ही आंसर पढ़ सकते हैं और एज इट इज़ इसको लिख सकते हैं. देखिए यहाँ पर आंसर है 2 का फर्स्ट. व्हाट इज़ आर्ट? तो इट इज़ अ नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट टू शेयर हिज एक्सपीरियंस विजडम एंड ऑल्सो इमोशन. हर इंसान की नेचुरली एक इंस्टिंक्ट होती है कि वो अपने एक्सपीरियंस को, अपनी कला को, अपने जज्बात को शेयर करे लोगों से. तो वो किस तरह शेयर करता है, तो उसके अलग अलग अंदाज होते हैं. व्हेन दैट इंस्टिंक्ट रिजल्ट इन अ ब्यूटीफुल क्रिएशन, जब उसकी ये इंस्टिंक्ट कोई ब्यूटीफुल क्रिएशन में बदलती है, तो इट इज़ एक्नॉलेज एज आर्ट. जैसे किसी इंसान ने कोई खूबसूरत जगह देखी और उसके अंदर एक बात पैदा हुई कि ये जगह मैं शेयर करूँ, तो उसने उसकी पेंटिंग बनाया, तो वो एक आर्ट बन गया. द आर्टिस्ट पावर ऑफ इमेजिनेशन सेंसिबिलिटी स्टेट ऑफ इमोशन एंड हिज स्किल्स आर द क्रूशियल फैक्टर एट द रूट ऑफ आर्टिस्टिक क्रिएशन. कोई भी आर्टिस्टिक क्रिएशन की जो रूट है वो क्या कही जाएगी, कि आर्टिस्ट का पावर ऑफ इमेजिनेशन कितना है, कितना सेंसिबल है, कितना चीज़ों को वो समझता है, स्टेट ऑफ इमोशन क्या है, उसकी स्किल क्या है, ये सब चीज़ आर्टिस्टिक क्रिएशन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट का. जैसा कि मैंने बताया काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये, लेकिन इम्पॉर्टेंट भी है. सेकेंड है हेमादपंती स्टाइल. पेज नंबर 27 पे चलेंगे इसके लिए हम. पेज नंबर 27 पे यहाँ पे जो पैरा है, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो, इसके अंदर आपको हेमादपंती स्टाइल का आंसर मिलेगा. टेम्पल्स इन महाराष्ट्र बिल्ड इन 12th-13th centuries आर नोन एज हेमादपंती टेम्पल्स. 12वीं से 13वीं सेंचुरी के बीच महाराष्ट्र में जो भी टेम्पल्स बने वो हेमादपंती स्टाइल के टेम्पल थे. दी आउटर वॉल्स ऑफ हेमादपंती टेम्पल्स आर बिल्ड इन अ स्टार शेप. बाहर की दीवारों को स्टार शेप में बनाया जाता है. इन द स्टार शेप प्लान द आउटर वॉल्स ऑफ द टेम्पल हैज़ अ zigzag डिज़ाइन, और उस पर जो डिज़ाइन होती है वो zigzag की तरह होती है. दिस रिजल्ट इन टू एन इंटरेस्टिंग इफेक्ट ऑफ अल्टरनेटिंग लाइट एंड शेडो, जिसका इफेक्ट बहुत अच्छा होता है लाइट और शेडो का. द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेमादपंती टेम्पल इज इट्स मेसनरी. उसकी जो इम्पॉर्टेंट फीचर है वो है उसकी मेसनरी. मेसनरी का क्या मतलब होता है, पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग मेड अप ऑफ स्टोन, यानी उस मंदिर का वो पार्ट जो पूरा पत्थर से बना होता है, वो लोग पत्थर से बनाते हैं पूरा. दी वॉल्स आर बिल्ड विदाउट यूजिंग एनी मोर्टार, इसमें कोई भी मोर्टार यूज़ नहीं होता. मोर्टार किसे कहते हैं, हम जानते हैं वो रेती सीमेंट पानी का जो मिक्सचर होता है जो दीवारें बनाते वक्त आपने देखा होगा. बाय लॉकिंग द स्टोन बाय यूजिंग द टेक्निक ऑफ टेनन एंड मोर्टाइज जॉइंट. एक्चुअली अगर ये लोग मोर्टार यूज़ नहीं करते, रेती सीमेंट का मिक्सचर नहीं यूज़ करते, तो फिर जॉइंट्स कैसे होता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है. एक टेक्निक यूज़ करते हैं टेनन और मोर्टाइज. टेनन और मोर्टाइज क्या है, जैसे कि आपने देखा होगा सॉकेट होते हैं हमारे घर के अंदर, स्विच होते हैं, तो वो जो स्विच है ना उसको हम लोग मोर्टाइज कह सकते हैं, और जो प्लग हम उसमें लगाते हैं वो प्लग टेनन बन सकता है. यानी कि टेनन में एक शेप होता है
जो मोर्टाइस हॉलो शेप के अंदर जाके फिट हो जाता है और वो ज्वाइंट हो जाता है आपस में। दी अंबरेश्वर टेम्पल एट अंबरनाथ नियर मुंबई, गोंडेश्वर टेम्पल एट सिन्नार नियर नासिक, उंधा नागनाथ टेम्पल इन दी हिंगोली डिस्ट्रिक्ट आर अ फ्यू फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द हेमाडपंती स्टाइल। ये कुछ हेमाडपंती स्टाइल के टेम्पल के एग्जाम्पल हैं। देयर प्लान इज स्टार शेप्ड। द हेमाडपंती टेम्पल्स आर फाउंड एट सेवरल प्लेसेज इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की बहुत सारी जगहों पर ये पाए जाते हैं। आप इस आंसर को पॉइंट वाइज लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है, मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग, पेज नंबर 22 पे जाना है इसके लिए हमें, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी स्क्रॉल करता हूँ। पेज नंबर 22 पे यहाँ पर है मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग। मराठा पेंटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्ट स्टाइल। ये भी आर्ट स्टाइल का एग्जाम्पल है। इमेज भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। दी स्टाइल नोन एज मराठा पेंटिंग बिगेन टू डेवलप इन लेटर हाफ ऑफ द 17th century CE। 17वीं सदी के आधा आधे से ये स्टाइल शुरू हुई। दिस स्टाइल कंसिस्ट ऑफ कलर्ड पेंटिंग। कलर पेंटिंग होती है जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। एंड दे अकर एज म्यूरल्स एंड ऑल्सो मिनिएचर्स यूज इन मेनुस्क्रिप्ट। नाउ म्यूरल्स क्या होता है? म्यूरल्स का मतलब होता है लार्ज पिक्चर पेंटेड ऑन अ वॉल, यानी जब दीवारों पे बड़ी बड़ी पिक्चर्स बनाई जाती हैं उसे म्यूरल्स कहते हैं। और मेनुस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? मेनुस्क्रिप्ट का मतलब होता है किसी भी बड़ी चीज की स्मॉल कॉपी बनाना। तो ये चीजें इसके अंदर नजर आती हैं आपको। म्यूरल्स ऑफ मराठा स्टाइल कैन बी सीन इन दी ओल्ड वाड़ाज एट प्लेसेस लाइक वाई मीनावली एंड सातारा इन महाराष्ट्र। इन सब जगहों पे जो ओल्ड वाड़ाज है, जो पुराने किले वगैरह है, वहां पर आप देख सकते हैं इस तरह की म्यूरल्स, बड़ी बड़ी पेंटिंग आपको दिखाई देगी दीवारों पे। दी मराठा स्टाइल वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय दी राजपूत एंड यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, ये राजपूत और यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग से इंस्पायर है। पेंटिंग स्टाइल्स हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस थिंग्स अबाउट दी टाइम्स इन विच इट वॉज डेवलप। पेंटिंग स्टाइल को देख के पता चलता है उस टाइम पे कौन कौन सी चीज़ें डेवलप थी, सच एज दी लाइफ लाइफ स्टाइल अटायर कॉस्ट्यूम कस्टम सॉरी मतलब उनकी लाइफ स्टाइल कैसी थी, वो कपड़े कैसे पहनते थे, उनके रिवाज कैसे थे, ये सब पेंटिंग देखकर समझ में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, एक्सप्लेन द फॉलोइंग सेंटेंस विथ इट्स रीजन। तो एन एक्सपर्ट विथ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ट हिस्ट्री इज रिक्वायर्ड इन द आर्ट मार्केट। लिखा है कि आर्ट मार्केट के अंदर, यानी आर्ट के अंदर एक्सपर्ट होना चाहिए आर्ट हिस्ट्री। देखो, एन एक्सपर्ट विथ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ट हिस्ट्री, यानी आर्ट हिस्ट्री को जिसको डीप अंडरस्टैंडिंग है, जो आर्ट हिस्ट्री को डीपली समझता है, उसकी आर्ट मार्केट में ज़रूरत होती है। पेज नंबर 30 पे इसका आंसर हमें मिलेगा। यहीं पर लिखा हुआ है इसका आंसर, 3 का 1। ये जो हाईलाइटेड है वो पूरा इसका आंसर है। आर्ट हिस्ट्री इज एन इंडिपेंडेंट ब्रांच ऑफ नॉलेज। सबसे पहले तो ये नॉलेज का इंडिपेंडेंट ब्रांच है। वेरियस अपॉर्चुनिटीज ऑफ रिसर्च आर अवेलेबल इन दिस फील्ड। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इसमें रिसर्च के लिए मौजूद है। उसके बाद है, आर्ट हिस्टोरियंस कैन वर्क इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म। जर्नलिज्म में उनको काम मिल सकता है। आर्ट मार्केट इज एन इंडिपेंडेंट फील्ड। ये एक इंडिपेंडेंट फील्ड है। इट कॉल्स फॉर स्पेशल एक्सपर्टाइज टू असेस द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एन आर्ट ऑब्जेक्ट और टू इंश्योर दैट इट इज जेन्युइन। कोई भी हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट है, कोई भी आर्ट ऑब्जेक्ट है, तो वो सच्चा है या झूठा है वो समझने के लिए, फिर आज के ज़माने के हिसाब से उसकी क्या कीमत होगी ये समझने के लिए एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। तो एन एक्सपर्ट विद डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ट हिस्ट्री इज रिक्वायर्ड फॉर दिस टास्क, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इट इज नेसेसरी टू प्रिजर्व दी ट्रेडिशन लाइक चित्रकथी विच इज ऑन दी वर्ज ऑफ एक्सटेंशन। चित्रकथी जैसी जो चीज़ है, जो खत्म होने आई है, उसको हमें प्रिजर्व करना चाहिए। पेज नंबर 23 और 24 पे इसका आंसर है। पेज नंबर 23 और 24 पे इसका आंसर हमें मिलेगा, तो हम उस पर चलते हैं। यहां पर देखिए, इस पैराग्राफ में द ट्रेडिशन ऑफ नरेटिंग स्टोरीज फ्रॉम रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत की स्टोरी को नरेट करना विद द हेल्प ऑफ वुडन पपेट्स एंड पेंटिंग इज नोन एज द चित्रकथी और पिंगुली ट्रेडिशन। इसका दूसरा नाम भी है, चित्रकथी के साथ साथ पिंगुली ट्रेडिशन भी इसे कहते हैं। द चित्रकथी पिक्चर्स आर ड्रॉन ऑन अ पेपर एंड पेंटेड इन कलर्स मेड फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंसेज। पेपर पे बनाया जाता है और कलर जो होता है वो नेचुरल चीज़ों से बनता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, ये उसका एग्जाम्पल है।
फिर आगे क्या कह रहा है, इट टेक्स 30 to 50 पिक्चर्स टू कंप्लीट द नरेशन ऑफ अ सिंगल स्टोरी, एक कहानी को नरेट करने के लिए 30 से 50 पिक्चर्स का इस्तेमाल किया जाता है। दिस पिक्चर्स आर प्रिजर्व वेरी केयरफुली, बहुत संभाल के इसको रखा जाता है, एंड हैंडेड डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ताकि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ही आसानी से पहुंच सके। द आर्टिस्ट एंड द गवर्नमेंट आर ट्राइंग टू प्रिजर्व द ट्रेडिशन विच इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन। आर्टिस्ट और गवर्नमेंट चाहती है कि ये जो चित्रकथी है जो आहिस्ते आहिस्ते एक्सटेंड हो रही है, खत्म हो रही है, इसे प्रिजर्व किया जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स अगेन मैं कहूँगा आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप बराबर मार्किंग करते चलें, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे टेक्सुअल वो मैं आपको समझाते जा रहा हूँ, मार्किंग भी दे रहा हूँ साथ ही साथ। अगला सवाल आपको यहाँ पे मिलेगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 25 to 30 वर्ड्स। पहला सवाल है, राइट अबाउट फोक ट्रेडिशन ऑफ स्कल्पचरल आर्ट, पेज नंबर 25 पे इसका आंसर है। और दूसरा है राइट अबाउट गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, ये भी 25 पे है, तो दोनों हम एक साथ देख लेते हैं। पहला है फोक ट्रेडिशन ऑफ स्कल्पचरल आर्ट, तो पेज नंबर 25 पे चलेंगे हम। देखिए पेज नंबर 25 पे यहाँ लिखा हुआ है, ये पूरा पैरा इसका आंसर है, पॉइंट्स आप बना के लिखिएगा, मैं समझा देता हूँ। दिस स्कल्पचरल आर्ट इज ऑल्सो एज एंशियंट एज द आर्ट ऑफ पेंटिंग, मूर्ति बनाना ये भी उतना ही पुराना है जितना के पेंटिंग बनाना, डेटिंग बैक टू स्टोन एज, स्टोन एज के ज़माने से ये चला आ रहा है। कार्विंग टूल्स आउट ऑफ स्टोन कैन सेट टू बी द बिगिनिंग ऑफ स्कल्पचरल आर्ट, टूल्स बनाना पत्थरों से, वहीं से स्कल्पचरल आर्ट की शुरुआत हो गई। द कस्टम ऑफ मेकिंग क्ले इमेजेस, मिट्टी की मूर्तियाँ जो बनाते हैं फॉर रिचुअल्स, पूजा प्रार्थना के लिए, हैज़ बिन प्रेवेलेंट इन इंडिया सिंस हड़प्पन टाइम, हड़प्पन के ज़माने से ये इंडिया में फेमस है। इट हैज़ कंटिन्यूड टिल टुडे इन मैनी रीजन्स लाइक बंगाल, बिहार, गुजरात, राजस्थान एक्सेट्रा, इन सब जगहों पे आज भी ये चीज़ चलती है। द गणेश आइडल हम सब जानते ही हैं, गणेश की, भगवान गणेश की मूर्ति, मास्क ऑफ गौरी, बुल फिगरिंस मेड फॉर द फेस्टिवल ऑफ बेल पोला, वुडन मेमोरियल्स, वीर गर्ल्स दैट इज मेमोरियल स्टोन, द डेकोरेटेड क्ले स्टोरेज बीन्स एक्सेट्रा आर फ्यू एग्जाम्पल ऑफ द फोक ट्रेडिशन ऑफ स्कल्पचरल आर्ट, ये उस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अगला सवाल हमने पढ़ा था गंधार स्कूल के बारे में, तो वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी छोटा है तो दो पॉइंट्स मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे लिखे हुए, ये भी मैं आपको समझा दूँ। सबसे पहले हम देखेंगे, द गंधार स्कूल ऑफ आर्ट केम इन टू बींग इन द सेकेंड सेंचुरी BCE, सेकेंड सेंचुरी BCE में अफगानिस्तान और उसके नेबरिंग रीजन में ये एग्जिस्ट हुआ। इट हैड ग्रीक एंड पर्शियन इन्फ्लुएंस, ग्रीक और पर्शिया जो मॉडर्न डे ईरान है इसका इन्फ्लुएंस इस पर पड़ा। गंधरा आर्ट हैव बीन फाउंड इन तक्सीला, तक्सीला में पाया जाता है, इट इज़ फेमस फॉर इट्स ब्यूटी एंड एक्यूरेसी, अपनी ब्यूटी और अपनी एक्यूरेसी के लिए बहुत पॉपुलर है। आइए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, जिसमें टेम्पल आर्किटेक्चर है, टेम्पल आर्किटेक्चर में नगारा, द्रविड़ा और हेमादपंती तीन स्टाइल है, तीनों की एक एक कैरेक्टरिस्टिक लिखना है और तीनों की एक एक एग्जाम्पल लिखना है, तो क्योंकि यहाँ जगह कम थी इसलिए मैंने यहाँ नीचे लिख के रखा है, आप टेबल में ही टेबल बना के अपनी नोट्स में रिकॉर्ड कर लीजिएगा। सबसे पहले नगारा स्टाइल, ये क्या होता है तो मैं आपको ये बता दूँ, सबसे पहले तो ये नॉर्थ की स्टाइल है, मैंने लिखा नहीं है, आप चाहो तो लिख सकते हो। टेम्पल्स आर इरेक्टेड इन फॉर्म्स ऑफ टावर दैट इज शिखरा, बड़े बड़े शिखर बनाए जाते हैं, और इसका एग्जाम्पल है कोनार्क सन टेम्पल। दूसरा है द्रविड़ा, द्रविड़ा जो है वो सदर्न इंडिया का स्टाइल है। इट हैज़ गोपुरम, गोपुरम का मतलब होता है बहुत बड़े गेट होते हैं, और पिलर्ड हॉल्स एक्सेट्रा, और इसका एग्जाम्पल है बृहदेश्वरा टेम्पल। तीसरा है हेमादपंती, हेमादपंती में वॉल्स आर बिल्ड विथ टेनन एंड मोर्टाइज टेक्निक विदाउट यूजिंग मोर्टार, अभी मैंने ऊपर आपको समझाया था टेनन और मोर्टाइज क्या होता है, और इसका एग्जाम्पल है गोंदेश्वर टेम्पल, इसकी इमेज भी हमारी बुक में दी है बृहदेश्वरा की और गोंदेश्वर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल, राइट इन डिटेल अबाउट फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग, तो पेज नंबर 23 पे फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग है, तो वहां चलते हैं हम लोग, पेज नंबर 23 पे जाना है। देखिए यहाँ पर फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग है, आप पॉइंट्स बना सको इसलिए मैंने सिलेक्टेड चीजों को ही हाईलाइट किया है। रॉक पेंटिंग डेटेड टू स्टोन एजेस हैव बीन डिस्कवर इन मैनी कंट्रीज, पत्थरों पे पेंटिंग बनाना तो स्टोन एजेस से चला आ रहा है, बहुत सारे देशों में भी मिला है ये, डिस्कवर हुआ है इन इंडिया, भारत में। देर आर रॉक पेंटिंग साइट्स इन द स्टेट ऑफ MP, मध्य प्रदेश, UP, बिहार, उत्तराखंड, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन सब जगहों पे आपको रॉक पेंटिंग इंडिया में देखने को मिलेगी।
रॉक पेंटिंग्स यूजुअली डिपिक्ट ह्यूमन एनिमल एंड ज्योमेट्रिक फिगर। इसमें क्या बनाया जाता है, इंसान, कोई जानवर या कोई ज्योमेट्रिक पैटर्न जैसे सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल एक्सेट्रा। हाउ एवर द स्टाइल ऑफ रॉक पेंटिंग सीम्स टू बी चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द कल्चरल चेंजेस फ्रॉम स्टोन एजेस टू द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला वैसे वैसे इसके स्टाइल में भी चेंजेस आया। जैसे स्टोन एज में अलग तरह से रॉक पेंटिंग होती थी, अब एग्रीकल्चर का जमाना है तो अलग तरह से पेंटिंग होती है। इसमें और क्या होता है, ब्लैक, रेड एंड व्हाइट कलर वर यूज्ड इन दी रॉक पेंटिंग। ये तीन कलर खास करके इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि पत्थरों पे हाईलाइट होकर दिखे वो चीज़। विच वर मेड फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंसेस। विद द हेल्प ऑफ रॉक पेंटिंग वी कैन अंडरस्टैंड द नॉलेज ऑफ एंशियंट पीपल अबाउट देयर नेचुरल सराउंडिंग एंड ऑल्सो द वे दे एक्सप्लॉयटेड अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज। क्या क्या समझ में आता है हमें रॉक पेंटिंग को देखने से? सबसे पहले तो एंशियंट लोगों की नॉलेज, उनकी सराउंडिंग, नेचुरल सराउंडिंग, कैसे वो रहते थे, क्या क्या चीज़ें उनके अतराफ में थी और किस तरह उन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया। द ट्रेडिशन ऑफ फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग क्लोजली रिजेंबल द स्टाइल ऑफ रॉक पेंटिंग। फोक स्टाइल पेंटिंग भी रॉक पेंटिंग की तरह ही रिजेंबल करती है, उससे मिलती जुलती है। कस्टम सच एज डेकोरेटिंग द हाउस वॉल, हम घर के दीवारों को कलर करते हैं, डेकोरेट करते हैं। कोर्ट यार्ड में रंगोली वगैरह बनाते हैं, रंगावली, बाय ड्राइंग वेरियस फिगर्स एंड सिम्बॉल्स और यूजिंग पैनल्स ऑफ पेंटिंग टू नरेट स्टोरीज, हेल्प टू डेवलप रीजनल स्टाइल ऑफ फोक पेंटिंग। इन सब से रीजनल स्टाइल ऑफ फोक पेंटिंग को डेवलप होने में मदद मिलती है। आइए दूसरे डिटेल आंसर की तरफ हम चलते हैं। डिटेल आंसर में याद रखिएगा, आपको पॉइंट बनाकर लिखना है, मैं बार बार अपने हर लेक्चर्स में बताता हूँ तो वो आप नोट कीजिएगा बराबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इस्लामिक आर्किटेक्चर इन इंडिया बाई गिविंग एग्जाम्पल। इस्लामिक आर्किटेक्चर के बारे में हमको लिखना है, कुछ एग्जाम्पल देना है। पेज नंबर 27 और 28 पे इसका आंसर हमें मिलेगा। तो 27 और 28 पे हम चलते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इन द मिडिवल पीरियड, मिडिवल पीरियड में अंडर द पेट्रोनेज ऑफ मुस्लिम सल्तनत्स मैनी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, जब मुस्लिम लोगों का राज था, मुस्लिम सल्तनत थी उस टाइम पे, बहुत सारे आर्किटेक्चर जैसे कि पर्शियन, सेंट्रल एशियन, अरेबिक एंड प्री इस्लामिक नेटिव इंडियन स्टाइल वर ब्लेंडेड टुगेदर। ये सारे स्टाइल आपस में ब्लेंड हुई और रिजल्ट क्या हुआ, क्रिएटिंग द इस्लामिक आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया, और इस्लामिक आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई। मैनी ब्यूटिफुल बिल्डिंग्स वर क्रिएटेड, बहुत सी खूबसूरत बिल्डिंग्स बनाई गई, जैसे कि एग्जाम्पल है कुतुब मीनार एट मेहरौली नियर डेली, ताजमहल एट आगरा, गोल गुम्बज एट बीजापुर इन कर्नाटका आर द वर्ल्ड फेमस एग्जाम्पल ऑफ द इस्लामिक आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया। आगे भी कुछ नॉलेज के लिए हम लोग और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग ऑफ कुतुब मीनार स्टार्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के ज़माने में 12th सेंचुरी में कुतुब मीनार को बनाने का काम शुरू किया गया था एंड वॉज कम्प्लीटेड इन द रेन ऑफ अल्तमश। अल्तमश के ज़माने में, जिसको इल्तुतमिश भी कहते हैं, जो 13वीं सदी में ये कम्प्लीट हुआ। कुतुब मीनार इज द हाइएस्ट मीनारेट इन द वर्ल्ड। इट इज 73 मीटर, दैट इज 240 फीट इन हाइट, ऊंचाई 240 फीट है। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स ऑफ बिल्डिंग हैज बिन डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स को वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर कर दिया गया है, ये उसकी इमेज है, हम सब जानते ही हैं। आगे है द मुगल एम्परर शाहजहां बिल्ट ताजमहल इन द मेमोरी ऑफ हिज क्वीन। मुमताज महल, मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल बनाया था। द ताजमहल इज लुकड अपॉन एज द पैरामाउंट एग्जाम्पल ऑफ द ब्यूटी ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर इन इंडिया। ताजमहल तो मेरे ख्याल से इस्लामिक आर्किटेक्चर इन इंडिया की जो खूबी है उसमें सबसे नंबर वन पे ताजमहल का नाम आता है। दिस वर्ल्ड फेमस बिल्डिंग हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज बाई यूनेस्को। यूनेस्को ने इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया है। गोल गुम्बज एट बीजापुर, ये नीचे उसकी इमेज भी आप देख सकते हैं। इन कर्नाटका वॉज बिल्ड इन द 17th सेंचुरी CE, 17th सेंचुरी में बना। दिस ग्रैंड बिल्डिंग हाउस द ब्यूरियल ऑफ मोहम्मद आदिल शाह ऑफ बीजापुर। ये बिल्डिंग एक्चुअली में और कुछ नहीं बल्कि मोहम्मद आदिल शाह जो बीजापुर के थे उनकी ब्यूरियल है, उनका ये समाधि कहते हैं, समाधि है उनकी। इनसाइड द डोम, अगर ये गुम्बद के अंदर आप जाएंगे तो आफ्टर विच द बिल्डिंग इज नेम, इस गुम्बद की वजह से इसका नाम पड़ा गोल गुम्बस। देर इज अ राउंड गैलरी, इवन अ स्लाइट विस्पर बाय अ पर्सन स्टैंडिंग इन दिस गैलरी कैन बी हर्ड एवरीवेयर। एक आहिस्ते से कोई विस्परिंग भी करेगा, सरगोशी भी करेगा, आहिस्ते से कुछ बोलेगा तो वो आवाज़ भी सब सब जगह सुनाई देगी। एंड इट समबडी क्लैप्स फ्रॉम हियर इट्स एको कैन बी हर्ड मैनी टाइम, और अगर कोई यहाँ पे क्लैप करे, ताली बजाए, तो उसकी गूंज भी जो है वो आपको सुनाई देगी। चलिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट काइंड ऑफ प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स। फील्ड ऑफ आर्ट्स में कौन कौन सी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज है, पेज नंबर 30 पे। इसमें मैं आपको एक बात बता दूं, ये आंसर थोड़ा सा यहाँ वहाँ पॉइंट्स है तो आपको उसको
अरेंज करके लिखना पड़ेगा। ये जो ग्रीन में अंडरलाइन है ये आंसर है उसका। तो सबसे पहले आप तो सवाल ही लिख सकते हैं, देर आर मेनी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल एग्जाम्पल। फिर पॉइंट नंबर वन, आर्ट हिस्टोरियन कैन वर्क इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म में काम कर सकते हैं। देन हेरिटेज मैनेजमेंट एंड कल्चरल टूरिज्म आर रिसेंटली डेवलप फील्ड्स। इन दिस फील्ड स्टूडेंट ऑफ आर्ट कैन फाइंड मैनी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज। इसमें भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे म्यूजियम है, आर्काइव मैनेजमेंट है, लाइब्रेरी साइंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्कियोलॉजिकल रिसर्च, इंडोलॉजी आर सम इम्पॉर्टेंट फील्ड्स इन दिस रिगार्ड। देन उसके बाद यहाँ से आप लिख सकते हैं अप्लाइड आर्ट में भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, जैसे इंटीरियर डिज़ाइन एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑर्नामेंट, ज्वेलरी जो होती है जेवर, उसको प्रोड्यूस करना, उसके डिज़ाइन बनाना। आर्ट डिज़ाइन ऑफ स्टेज बैकड्रॉप्स, नेफातिया कहते हैं जिसको। आर्ट डायरेक्शन फॉर फिल्म्स एंड टेलीविज़न, फिल्म और टेलीविज़न में आर्ट डायरेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है सब जानते हैं। कोई भी हिस्टोरिकल पिक्चर बनती है तो उस सीन को एज इट इज़ क्रिएट करना पड़ता है, उस ज़माने को बताना पड़ता है, तो वो काम आर्ट डायरेक्टर का होता है। क्रिएटिंग अट्रैक्टिव लेआउट्स ऑफ बुक्स, बुक्स का अट्रैक्टिव लेआउट बनाना, मैगजीन, कैलीग्राफी, प्रोडक्शन ऑफ ग्रीटिंग कार्ड्स, इनविटेशन कार्ड, कस्टमाइज्ड स्टेशनरी, गिफ्ट ऑब्जेक्ट्स एक्सेट्रा आर द फील्ड ऑफ अप्लाइड आर्ट। ये सारी अप्लाइड आर्ट की फील्ड है। देन फोटोग्राफी आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अप्लाइड आर्ट्स। ऑर्नामेंट्स, आर्टिस्टिक क्रिएशन ऑफ मेटल्स, अर्दन पॉट मिट्टी के बर्तन विथ कलरफुल डिजाइन, ऑब्जेक्ट्स मेड फ्रॉम केन एंड बाम्बू, बांस से जो ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, ब्यूटिफुल ग्लास ऑब्जेक्ट, शीशे से कांच से बनाई जाने वाली चीज़ें, अट्रैक्टिव टेक्सटाइल कपड़े एंड क्लोथिंग एक्सेट्रा, ऑल कैन बी लिस्टेड अंडर अप्लाइड आर्ट। तो इतने सारी फील्ड्स हैं जिसमें अप्लाइड आर्ट और आर्ट के जो माहिर हैं, जो हिस्ट्री जानते हैं, वो लोग जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑब्जर्व द इलस्ट्रेशन ऑफ वार्ली पेंटिंग ऑन पेज नंबर 23 एंड राइट अबाउट डिपिक्शन ऑफ नेचर, ड्रॉइंग ऑफ ह्यूमन फिगर, डिपिक्शन ऑफ ऑक्यूपेशन और हाउसेस। तो स्टूडेंट ये हमें खुद से लिखना है आंसर, तो मैंने एक स्टैंडर्ड आंसर लिखा है, चलिए मैं आपको वो समझा देता हूँ। ओके, तो देखिए ये वारली पेंटिंग जो पेज नंबर 23 पे दी हुई है और क्वेश्चन लिखा था इसको ऑब्जर्व करिए और इसके अकॉर्डिंगली डिपिक्शन ऑफ नेचर, कैसा नेचर को बताया गया है, ह्यूमन फिगर्स के बारे में लिखना है, ऑक्यूपेशन इसमें से आपको क्या समझ रहा है और घर क्या समझ में आ रहे हैं। तो काफ़ी कठिन होता है इसको समझना, मैंने आंसर सिंपल वर्ड्स में लिख दिया है, आप एज इट इज इसको लिख सकते हैं। सबसे पहले है डिपिक्शन ऑफ नेचर, तो नेचर कैसे नजर आ रहा है, नेचर इज डिपिक्टेड वेरी ब्यूटीफुली, बहुत अच्छे से नजर आ रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स इंडिकेटिंग केयर फॉर एनवायरमेंट, बहुत सारे अलग अलग पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं जिससे ये बात समझ में आती है कि एनवायरमेंट की केयर की जा रही है। देन ड्रॉइंग ऑफ ह्यूमन फिगर्स में आप लिख सकते हैं ह्यूमन फिगर्स आर शोन इन ग्रुप्स, ग्रुप्स में ही दिख रहे हैं बेसिकली, जो ज्योमेट्रिक पैटर्न में है, जैसे कि स्ट्रेट लाइन हुआ, स्क्वायर हुआ, ट्राइंगल, सर्कल एक्सेट्रा, इसमें बताया गया है, इंसानों को बताया गया इस डिजाइन से। देन ए डिपिक्शन ऑफ ऑक्यूपेशन, तो वन कैन सी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन सच एज एग्रीकल्चर, फिशिंग, पॉटरी, मिट्टी के बर्तन बनाना एक्सेट्रा, ये सब है। और घर कैसे बताए गए, तो हाउसेज आर शोन इन डिफरेंट पैटर्न एंड ज्योमेट्रिक शेप्स, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे चौथे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की मार्किंग और एक्सप्लेनेशन यहाँ पर ख़त्म हुआ, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और अपना बहुत ध्यान रखो। थैंक यू।